मैंने देखा है यहाँ पे थोड़ा पानी साफ है, अगर आप एरम से कंपेयर करो बागा बीच से, तो देखो उस साइड थोड़ा पानी साफ है और आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। बागा बीच में तो खैर साफ पानी है ही नहीं। हेलो गाइस, नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज है गोवा का डे 6। आज मुझे साउथ गोवा जाना है और वहाँ पे कुछ बीचेस कवर करने हैं, क्योंकि साउथ गोवा तो मैं गया हुआ हूँ बट बीचेस कभी अभी कवर नहीं किए मुझे। अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आज और देखते हैं। और इतने दिनों में इतनी चीज़ें घूमने के बाद भी अभी भी गोवा में बहुत सारी चीज़ें बची हैं, जैसे कि मैं अगोड़ा फोर्ट नहीं जा पाया। एक फेरी वाला सिस्टम भी अच्छा है जो कि 2:30 बजे यहाँ से चलती है, उसका कॉस्ट अभी मुझे नहीं पता बट वो भी अच्छा है, आप जा सकते हो, वो बढ़िया है वो। और कल की जो मेरी फ़्लाइट है वो 6:30 बजे की है शाम की। सो गाइज, अब निकलते हैं हम यहाँ पे साउथ गोवा बीच के लिए। एरोम्बोल बीच और मोरजिम बीच मैंने सोचा है वहाँ जाने के लिए। अब देखते हैं, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से पंजिम से। अब थोड़ी लोकेशन की दिक्कत होगी क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था वो मेरे साथ जा नहीं रहा। अब देखते हैं वहाँ पर, चलो। गाइस फाइनली एरोम्बोल बीच आ गए हैं और वहाँ से बहुत दूर पड़ गया पंजिम से, 36 किलोमीटर। पर यहाँ पे एक बेस्ट पार्ट है कि आपको एक लेफ्ट या राइट टर्न लेना है, फिर 6-7 किलोमीटर सीधा ऐसे सेम चलता जा रहा है। पहुँच ही गए और मुझे, क्योंकि ना मैं अकेला था तो लोकेशन नहीं, मुझे बार बार गूगल पे चेक करनी पड़ रही थी, वो मुझे थोड़ा टफ पड़ रहा था। चलो कोई नहीं, फाइनली आ गए, अब यहाँ का मज़ा लेते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे थोड़ा पानी साफ़ है, अगर आप एरम से कंपेयर करो बागा बीच से, तो देखो उस साइड थोड़ा पानी साफ़ है और आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। बागा बीच में तो खैर साफ़ पानी है ही नहीं, इसका भी अलग ही मज़ा है। बीच तो ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं। शाम को मोरजिम बीच भी बढ़िया है, वो भी शाम के टाइम में ही है या अभी? क्या धूप पड़ता है ना, कौन आता है देर आता है।
गाइस ये जो मुझे पड़ा 50 रुपीज़ पर बेड है, अगर आप कपल है तो 100 रुपीज़ है। तो अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया, देखते हैं कि आता कितनी देर में। और वैसे बढ़िया है, यहाँ पे भी अलग ही मज़ा आ रहा है। बस ये है कि बागा बीच में जो इंडियन क्राउड है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अरम्बोल बीच। ये साउथ गोवा पड़ गया तो यहाँ पे फॉरनर्स बहुत आते हैं, बट कोविड के चक्कर में इतने नहीं आए अभी फ़िलहाल। बट नेक्स्ट ईयर उम्मीद है, क्योंकि कोविड इस वक्त थोड़ा कम हो गया है, देखते हैं फिलहाल। पर इसका भी बीच का भी अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। मज़ा आ गया यार, अरम्बोल बीच बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल है। थोड़ा क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है, पर शायद शाम होते होते बढ़ जाएगा क्राउड। मैं तो खैर इतना देर तक रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे जाना ज़रूरी है वहाँ पे नॉर्थ गोवा में, क्योंकि होटल मेरा वहीं पे ही है। जैसे कि आपको पता ही है पंजिम में मैंने ले रखा है, तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा वापस। मैं अगर आप साउथ गोवा रुक रहे हैं ना, तो मैंने एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप 6 दिन हैं तो 4 दिन आप नॉर्थ गोवा में रुको, 2 दिन साउथ गोवा। यहाँ पे 4 बीचेज़ है जो मुझे पसंद थे कि मुझे घूमना ही है घूमना है। एक कोला बीच, बटरफ्लाई, अरम्बोल बीच और मोरजिम, ये 4 बीच थे जो घूमना है। बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज सिर्फ 2 ही बीच में जा पाऊँगा। अरम्बोल में हूँ अभी, इसके बाद मैं मोरजिम जाऊँगा और रास्ते में ही पड़ जाएगा। 8-9 किलोमीटर है यहाँ से भी। स्कूटी रेंट तो यहाँ पे एक तरह से ज़रूरी समझ लो आपको, अगर आपको ढंग से घूमना है गोवा तो। स्कूटी मान लो, या आपको बाइक वगैरह आपको लेनी है, या जिप्सी लेनी है, इट्स अप टू यू। स्कूटी थोड़ी कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि उसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है ये आज 11 मार्च है, तो आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ पे। 12 मार्च को मुझे यहाँ से निकलना है शाम को। इस बार जो मेरे टूर में है, इस बार चर्चेज में नहीं गया, क्योंकि मैंने लास्ट बार में दिखाई चुका हूँ ऑलरेडी चर्च, तो इसलिए मैं इस बार गया ही नहीं। तो और भी कई चीज़ें हैं जो आप गोवा में कर सकते हो, बंजी जंपिंग हो गया, और सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। अभी तो मैंने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था 6 दिन के अंदर मैंने किया है। और गोवा बढ़िया प्लेस है, अगर आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ आ रहे हो, मज़ा आया है गोवा में। थोड़ा यहाँ पे टेंशन फ्री लाइफ ज़्यादा है। अगर आप नॉर्थ इंडिया चले जाओगे तो वहाँ पे टेंशन ज़्यादा है, यही समझ लो बस। पानी में जब हवा आती है ना, बहुत तेज लगती है, मज़ा आ जाता है पानी के पास। तो धूप अभी भी हो रही है, पर जैसे कि मैं नॉर्थ गोवा से आया ना, तो साउथ गोवा मुझे बहुत ज़्यादा अंदर को पड़ गया है। ये बीचेस वगैरह वहाँ से दूर तो है खैर, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 2 दिन साउथ गोवा में ज़रूर रुकें। थोड़ा एक्सपेंसिव है साउथ गोवा, बट हाँ वर्थ है यहाँ पे रुकने की।
अभी आप देख सकते हो नॉर्मली ये खाली है, वैसे भी भरे होते हैं ये। और इस वक्त मतलब सीज़न चल रहा है गोवा का, वैसे तो फरवरी के एंड तक ख़त्म हो जाता है, बट इस टाइम थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। आपको भी पता है कोविड की वजह से बीच में बंद था,